हाय एंड वेलकम टू द बीना डिकोड्स। यूजुअली जब मैं शूट करती हूँ मैं अकेली ही बैठती हूँ, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग है तो इसीलिए आज मैं लियाना को छोड़ नहीं रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी विथ हर थ्रू आउट। बहुत टाइम के बाद टुडे आई एम गोइंग आउट फॉर वर्क एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट अ डेली शो, फिर तो मतलब पहले दिन के बाद तो आदत ही हो जाएगी। आज एक्चुअली मेरा एक शूट है, मैगजीन शूट है। सो It is actually a day in my life when I'm going out for work as a new mom. खुद ही अपने मुंह में डालती है अपनी उंगली और खुद ही करके वाक आ जाता है उसको। क्या आ जाता है अभी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं उसको क्या बोल के बुलाऊ। ल्यू प्यू लाउ पाउ पाउ लाउ, वैसे तो मैं सबसे ज्यादा उसको लाउ बोल के बुलाती हूँ। लाउ विथ टू पाव 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 पाव। लाव के सर पे एक छोटी सी जटा आई है, छोटू सी। ये ऐसे ऐसे करने से खुला नहीं, ये कंघी करने से भी खुला नहीं। सो विल वेट टिल वी शेव द हेयर ऑफ। लाव नाउ विल डिंक सम मिल्क। लाव विल डिंक मिल्क डिंक मिल्क। खा लो बीबी खा लो। छोटा लाव छोटा सा बीब खा लेता है। इतने स्टाइल से इतने टेक्निक मार के आजकल दूध पीती है। ओ माई गॉड। एंड आई हैड एक्चुअली फॉरगॉटन टू टेल यू बट लेट मी टेल यू नाउ। अभी तक पाब्लो सो रहा था, किसी तकिए के पीछे घुस गया, अभी बाहर आ गया है और दूधू की तरफ ही देख के बैठा हुआ है। एवरी टाइम लाव ड्रिंक्स मिल्क, नीचे जो थोड़ा सा बच जाता है उसको हम लोगों ने पहले एक दिन थोड़ा ज्यादा दूध बच गया था तो हमने सोचा क्या करे, पाब्लो को दे देते हैं। उसने पी लिया अच्छे से, फिर एक दो बारी जो बच गया था दूध वो हमने दिया और उसके बाद से उसको आदत ही हो गई। मतलब कभी कभी तो लियो पूरा दूध पी लेती है तब भी वो इंतजार कर रहा होता है, तो हमें दूध के बोतल को थोड़ा धो के वो वाला पानी दे देते हैं तो वही पी लेता है। इसको उबला हुआ पानी दे दे, बोलना अंडा अंदर पिघल गया, गुंगा है, पता नहीं चलेगा। देखो वो उधर लेटे लेटे इसको देख रहा है और ये लेटे लेटे उसको देख रही है। अभी आ गए तुम, नजदीक भी आ गए। सबसे ज्यादा वेटिंग हो रहा है ना, दूध पिएगा ना पाब्लो, विल दूध पिएगा। What suggestions do you have for the little jata that you see behind her hair? तो आप मुझे लिख के भेजिए कि आप लोगों के पास क्या suggestions है, आप लोग क्या बताना चाहते हैं इस विषय में, तो मैं definitely ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। And if I think that I should do something, whatever you are suggesting, I will do it. ना patience है इसमें, एक टांग उठा के वो बस बैठा हुआ है इंतज़ार में। क्या होगा पाब्लो, आज तो लियाना ने पूरा दूध पी लिया, इसमें दूध तो है नहीं। क्या होगा पाब्लो, मुंह से पानी आ रहा है। ओ माय गॉड। पाब्लो दुखी हो गया, उसको नहीं मिला दूध। लियाना उसको देखते देखते पूरी दूध पी गई। कौन है ये लव, कौन है ये पाव। वाओ क्या है। यूजुअली बच्चे को स्क्रीन टाइम से एडिक्शन हो जाता है, जब भी वो फोन देखते हैं या टीवी देखते हैं। ऑब्वियसली शी ऑल्सो, आई मीन व्हेनेवर शी सीज अ फोन इज वेरी अट्रैक्टेड टू इट। ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे ऐसा लगा दो स्पेशल चीजों से उसका लगाव है, उसमें से एक है कैमरा। अगर आपने सामने कैमरा खोल दिया शी विल लुक एट द कैमरा बहुत ही कम टाइम, मतलब उससे भी इंटरेस्टिंग, जैसे उसको ये ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न अभी दिख रहा है तो वो इस तरफ देख रही है, बट मोस्टली अगर सामने कैमरा है तो शी विल लुक एट द कैमरा। सेकेंड थिंग इज अगर मैं मेरे ड्रेसिंग टेबल के पास लेके जाती हूँ वो मेरे ब्रशेस की तरफ इतने और से घंटों भर देख सकती है। इट्स नॉट इवन फनी, आई जस्ट फील कि इसमें है क्या देखने के लिए। मतलब मैं और भी कितना कुछ दिखाती हूँ उसको, रंगीन टॉयज दिखाती हूँ उसको, बहुत सारी चीजें दिखाती हूँ, बट नो शी कीप्स लुकिंग एट दोस ब्रशेस फॉर आवर्स टुगेदर। सो आई एम रियली वेटिंग फॉर हर मुखे भात। सो ऑल द बंगालीज विल नो वॉट मुखे भात इज। मुखे भात में एक्चुअली बच्चों को बहुत सारी अलग अलग चीजें देते हैं, मिट्टी पैसा यू नो मम्मी पापा का प्रोफेशनल कोई भी चीज सामने देते हैं, प्लस पता नहीं और क्या क्या देते हैं, मैं मम्मी से अच्छे से पूछ के बताऊंगी। बच्चा जो उठाते हैं दिखाते हैं कि मतलब ऐसे कहा जाता है दैट इज द चाइल्ड इंटरेस्ट लाइक इन द फ्यूचर, तो आई एम श्योर शी विल पिक अप दोज ब्रशेस मे बी द कैमरा। ये चीज जरूर दिखाते रहिए अपने बच्चों को, ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न दे आर वेरी गुड फॉर देयर ब्रेन डेवलपमेंट। और ये मैंने कहाँ से लिया मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई एम श्योर दिस विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। ठीक है तुम तब तक लेटे लेटे देखो, मम्मा तब तक खाना खा लेगी। ठीक है मैं आओ।
मम्मी जब भी बॉम्बे में रहती है बंगाली खाना बनाती है प्योरली। अभी भी बनाया मोचा जो कि है केले का फूल, तो बहुत लोग जानते भी नहीं है क्योंकि हम लोग जब बिहार गए थे तो वहाँ पे देखा पेड़ में मोचा हुआ पड़ा है, कोई खाता ही नहीं, तो मैं इसलिए पेड़ से उखाड़ के लाई थी, यू रिमेम्बर। पर वो बहुत ही कड़वा था, नहीं खा पाए थे, बनाया था पर वेस्ट हो गया था। यहाँ पे एक बंगाली शॉप है, वहाँ जाके मम्मी लेकर आती है सारी बंगाली सब्जी वब्जी और करेला फ्राई। दिस इज अ वेज सब्जी फॉर गुरमीत एंड मी, बट मैं इतना सारा सब्जी बंगाली खाने के बाद ये कितना खा पाऊंगी मुझे नहीं पता। लेट्स सी। बहुत सारा आयरन है, बहुत सारा। जीविता मासी आ गई और एक्चुअली जीविता मेरे साथ जा रही है शूट पे, आई एम नर्वस टुडे, तो शी हैज गॉट समथिंग। जीवी हाथ में, मतलब तुमने मैसेज कर दिया था मुझे, मैंने लियाना के लिए क्या क्या लिया दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, लियाना को भी दिखाओ। ओ माय गॉड, व्हाट अ क्यूटी ड्रेस, ओ माय गॉड, लियू न्यू ड्रेस। मुझे ये सेट बहुत क्यूट लगा, जीन्स एंड टी शर्ट, देन दिस डंगरी, आई थिंक इट्स टू कूल। लाओ तुम्हारे लिए वापस एक पिंक ऐसा फर का जैकेट लाई है। लियाना ने विहान के बर्थडे पे जो मिकी माउस वाला ड्रेस पहना था, स्वेटर वो जीविता ने ला दिया था। और कितने लोगों ने लिखा इतनी गर्मी में स्वेटर पहना दिया, क्योंकि जीविता मासी को सजाने का शौक है ना ऐसे स्वेटर जैसे कपड़ों के साथ। ऑलमोस्ट 3 बजने को आया, उसको नीनी आने लग गई, मैं उसको क्विकली सुला के आती हूँ, हमें पैकिंग करना है फिर हम निकलते हैं। वैसे तो शूट में जैसे मेकअप आर्टिस्ट, जैसे हेयर ड्रेसर, जैसे स्टाइलिस्ट, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू कैरी एनीथिंग। इतने सालों से एक्टिंग में हूँ तो इसलिए मुझे खुद की चीजों को कैरी करने की आदत है, जिसमें खुद का हेयर एक्सटेंशन, इसमें है मेरे हेयर एक्सटेंशन, वो मैं लेना नहीं भूलती हूँ। मैं अपना हील्स कैरी करूंगी, खुद के हील, जूते तो मैं जाते टाइम ले लूंगी। आई विल कैरी माई ओन लेंस एंड लेंस सोल्यूशन, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। लाइक दीज थिंग्स आई मस्ट कैरी विथ मी। आई विल कैरी टू प्रोटेक्ट माई हेयर बी ब्लंट्स हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट, तो ये एक्चुअली मेरे बालों को जो भी स्टाइलिंग होगा, आई एम 100% श्योर कुछ तो स्टाइलिंग होगा ही, आई एम श्योर देयर्स अ लॉट ऑफ हीटेड टूल्स दैट इज गोना बी यूज्ड इन द हेयर, तो इसलिए मैं पहले से ये हॉट शॉट हेयर प्रोटेक्शन मिस्ट लेके जा रही हूँ। यू नो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, सो आई विल जस्ट कैरी दिस और ये जब मैं यूज करूंगी तब मैं बताऊंगी कि किस तरीके से यूज करते हैं और इसको यूज करने का फायदा क्या है। मेकअप के लिए भी तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ, बट आई थिंक आई विल कैरी माई ओन बेस, माई ओन मस्कारा, बिकॉज मस्कारा भी किसी और का यूज नहीं करना चाहिए, तो आंखों में ना इन्फेक्शन हो जाता है। लिपस्टिक भी खुद का कैरी करूँ क्या, चलो ले लेती हूँ, व्हेन आई एम पैकिंग तो माइट एज वेल पैक जस्ट अ फ्यू थिंग्स एक्स्ट्रा। 510, ऐसी बारिश, ऐसा लग रहा है भगवान ही जाने कब से बारिश हो रही है, जबकि सुबह से बिल्कुल बारिश नहीं थी। पंखे की आवाज सुन के नहीं लग रहा बारिश हो रही है। Suddenly started raining and how? फिर तो अंधेरा क्यों है? मैं पहले आउटफिट ट्रायल करके देखूंगी, ये है पहला आउटफिट, जरा मैं खुद ही देख लूं। बाप रे, ये तो मुझे मुझसे भी ज्यादा हैवी लग रहा है। What's the smell? Like a glue. पता नहीं किसका स्मेल है ये? I think it's folded and kept in the plastic that's in the bag. रेडियो चल रहा है क्या? मुझे नहीं, फोन पे कोई बात कर रहा है। So this is one outfit. पहले इसको हम ट्राई करके देखते हैं। जो कहा था, जो जो काम आता है, इज माय ओन हेयर एक्सटेंशन एंड माय ओन लेंसेस, बट शी इज अमेजिंग, शी हैज गॉट हर ओन लेंसेस, लेकिन मैं अपना ही लेंस यूज करूंगी, सॉरी गिर गया। So we are going with some neutral shades for the eyes so that later we can build up on it by adding little colors. तो इससे पहले the hairdresser comes, but she will apply tong to my hair. Might as well protect my hair. I applied this Bee Blunt Hot Shot Heat Protect a hair mist, के बारे में मैंने पहले भी बताया. It protects heat up to 230 degrees, which is amazing. It has grapeseed oil, which has a very high burning point, so it protects the hair from heat, and it has vitamin B5, which attracts moisture, keeping the hair shiny and glossy. This product also helps control frizz and detangle hair. So after applying this, when you brush the hair, there's no hair falls, which is again really amazing. Also, it protects the hair from pollution and UV rays. So it is not only like a heat protect from, you know, straightener, tongs and all, it also protects the hair from the heat of the sun. Matlab bina bhule isko thoda bahut use kar le apni zindagi mein, it will really protect your hair. Also with my code Divina
20, you will get an extra 20% discount on Bee Blunt's own website and the products are available here. There are two ways of using it. One is, जैसे मैंने पहले दिखाया था, towel लेने के बाद गीले बालों में आप पहले use कर ले. दूसरा है, just before styling the hair. Like, just before I know I will use a lot of heated products, उससे पहले आप लगा लो, your hair is safe. मतलब आपको बार बार tension करने की जरूरत नहीं है कि, you know, अब क्या लगेगा मेरे बालों में. बहुत ही छोटा सा क्यूट सा पैकेजिंग है, so you can easily carry it with you. मतलब ज्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ याद रखना जरूरी है. तो आप याद रखिए, मैंने तो कर लिया. तो नाउ उनको भी बुला लेते हैं, साथ साथ में बाल कर लेते हैं. सुबह तक जो धूप हो रहा था उस टाइम पे वाटरमेलन जूस पीने से ज्यादा मजा आता. यहाँ पे आके 4-5 मिनट पहले मेरा हेडेक अभी है, कम्प्लीटली गया. So, Finally, my hairstyle is done, my makeup is done, my lenses are on, body makeup done, clothes are on, सब कुछ हो गया है. अभी बस शूट का इंतजार है. So we are ready. इन्होंने ऐसा ड्रेस बनाया जिसमें कैन इतना जोर से लगाया कि उस कपड़े के अंदर घुसना और निकलना ना नामुमकिन है. मतलब घर से बाहर निकली हूँ प्रॉपरली शूट करने के लिए और बहुत ही मुझे मज़ा आ रहा है. हे रजानी फोटोग्राफर, वो शूट कर रहे हैं एंड इट्स अमेजिंग प्लेजर टू वर्क विथ हिम. आज इतने दिनों बाद ये फोटो शूट हो रहा है फुल ऐसे ही फिर से ड्रेसअप एंड ऑल के बाद, ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है. और आप लोग समझ ही सकते हैं कि इससे पहले इतना हसल वाला लाइफ था और सडनली एक तो लॉकडाउन और उसके बाद वट एवर विथ माई बेबी लियाना, आई वॉज ऑलमोस्ट स्टक एट होम. तो इंडियन लुक आपने बता ही दिया, तो जाहिर सी बात है मैं इंडियन लुक में तैयार हुई हूँ फॉर वेडिंग मैगजीन कॉल्ड वेडिंग मंत्रा. सो एक चेंज हो गया, अभी दूसरा चेंज में मैं चेंज होने जा रही हूँ. कितने बार चेंज बोला मैंने, ऐसा लग रहा है मैं मेरे चैनल में इंटरव्यू ही दे रही हूँ, इंटरव्यू देते देते. चलिए चेंज कर लेती हूँ जल्दी और फिर आप लोगों को मिलती हूँ. बहुत देर से लियाना से बात नहीं हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी से एक बार बात कर लेना चाहिए. सो फाइनली सेकंड लुक भी कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा बाकी है. हाउ लवली दीज रिंग्स आर एंड द ज्वेलरीज एंड द साड़ी, रेडीमेड साड़ी है, जब खड़ी होंगी तो दिख जाएगा. लेकिन ये है कि वीडियो तो आप देखते ही रहेंगे और मैं दिखाती ही रहूंगी, लेकिन अभी आप थोड़ा सा रुक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और आगे का वीडियो देखते रहिए. मैंने कब बोला कि बंद कर दीजिए वीडियो, खत्म हो गया, वीडियो चल रहा है. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट फोटोग्राफर के हाथ में होता है तो खूबसूरत दिखना है, अच्छा फोटोग्राफर ढूंढिए. तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लियाना घर पे सो गई है. लेट हो गया ना शूट पैकअप होते होते और अभी वो सो गई है. सो दिस इज द रीजन मैंने घर पे ये कैमरा लगाया था, ताकि मैं घर पे ना भी रहूँ मैं उसके साथ हमेशा कनेक्टेड रहूँ. नाउ टाइम टू गो बैक होम.